नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे, है ना। तो आज का ब्लॉग जो है मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बनाकर शूट करके आपके लिए लेकर आई हूँ, और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ। बहुत हो गई नेगेटिविटी, बहुत हो गए वीडियो ना आने के कारण, लेकिन मैंने आज सोच लिया है कि भाई मेहनत करना है। भले ही दो दिन में एक वीडियो जाए, पर जाएगा ज़रूर, सोच लिया मैंने। लेकिन आज जो था ना, वो थर्सडे था, सोचा आज की जो पूजा रूटीन है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन मैं थर्सडे की पूजा और फ्राइडे की पूजा कभी छोड़ती नहीं हूँ, उसको ज़रूर करती हूँ। तो आज जो होती है ना, मेरे मंदिर की पूरी डीप क्लीनिंग होती है हर थर्सडे को, और इसी तरीके से मैं डीप क्लीनिंग वगैरह करके अपने भगवान जी को अच्छे से नहला धुला के इस तरीके से स्थापित करती हूँ। तो स्थापित करने के बाद सबसे पहले अपना जो पूजा पाठ स्टार्ट करती हूँ, तो दिया जलाकर करती हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा दिया के बिना अधूरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी दिया को आसन देना चाहिए, जैसा कि मैंने प्लेट में हल्दी लगाया, फिर कुमकुम दिया, फिर चावल डाले, उसके बाद दिया को स्थापित किया, फिर उनका टीका वगैरह करके फूल अर्पित करके अब मैं दिया को जला रही हूँ। तो पूजा मेरी सर्वप्रथम यही होती है कि सबसे पहले मैं करती हूँ दिया की पूजा, उसके बाद सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। तो आप सब कैसे करते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर मेरे से कोई पूजा पाठ में गलती होती है तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। उसके बाद जितने भी मेरे देवी देवता भगवान जो भी हैं, उनको मैं टीका करती हूँ दिया की पूजा करने के बाद। और इस तरीके से उनकी पूजा होने के बाद मैं करती हूँ, फिर उनको भोग देती हूँ, और उसके बाद आरती की थाली रेडी करती हूँ। और ये है मेरा घी वाला दिए का डब्बा। इस तरीके से मैं दिया को, मतलब इजी पड़ जाता है मुझे, मैं घी डाल देती हूँ, और उसके बाद जो दिया जो होता है ना, बाती, वो मैं ऐसे रख देती हूँ, और जब वो ख़त्म हो जाता है फिर से भर देती हूँ। तो ये इजी हो जाता है मेरे लिए सुबह शाम की आरती के लिए। तो मैं इसी तरीके से रेडी करके रखती हूँ। तो जो आपने लेफ़्ट साइड में जो देखा, वो मैंने तिल का तेल का दिया लगाया है, और जब मैं दिया लगा चुकी, उसमें आपने देखा होगा एक कपूर की गोली भी मैं चूरा करके डाल देती हूँ, जिससे ये दिया जो है 3-4 घंटे आराम से चलता रहता है, और एक भीनी भीनी खुशबू हमारे घर में आती रहती है। तो सुबह शाम की मेरी ये दिया जो है वो ऐसे ही चालू रहता है, और ये घी का जो दिया है वो मैं आरती के समय ऐसे लगाती हूँ। और एक में कपूर रखती हूँ और एक में धूप बत्ती रखती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी ये आरती की थाली रेडी होती है, और उसके बाद मैं जितने भी मेरे प्रभु हैं, जो मेरे भगवान जी हैं, उन सबको मैं भोग लगा रही हूँ, और लगाने के बाद फिर आरती करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी पूजा जो है वो संपन्न होती है आज की थर्सडे की। लेकिन सबसे पहले मैंने, आपने देखा होगा, दरवाजे की पहले पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद अपने घर के जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो दरवाज़ा है उसको अगर हम पूजा पाठ करके साफ़ सुथरा करके सजा के रखते हैं, तभी तो हमारे भगवान जी खुश होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ थर्सडे के दिन पे। तो ये थी मेरी आज की पूजा। कंप्लीट हो गई है, और अभी बज गए हैं 12:30, क्योंकि ऐसा ही होता है थर्सडे के दिन पे, थोड़ा सा लेट हो जाता है, और सारे काम जो है वो धीरे 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 निपटाती हूँ, और साफ़ सफाई भी चालू रहती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मॉर्निंग में देखिए मैंने बालकनी आधी साफ़ करी है और आधी मतलब नहीं करी है। अभी मैं सारा ये सब कुछ समेट के अपने बड़े बेटे को कुछ खाना वगैरह खिला के फिर मैं बालकनी को क्लीन करूँगी, क्योंकि तुलसी मैया पे अभी तक मैंने दिया लगाया नहीं है, पर अभी थोड़ा सा साफ़ करके उतना एरिया फिर मैं
उधर का क्लीनिंग करके फिर दिया बाती कर दूंगी। तो थर्सडे के दिन पे आज थोड़ा सा मेरा काम जो है डिले चल रहा है। पूजा पहले कर ली है क्योंकि कान्हा जी को इतनी देर तक भूखा नहीं रख सकते। सो सब कुछ हो गया और अभी ये जो सामान है जो फैल जाता है वो अब सारा समेट के अंदर रखूँगी। तो चलिए पहले अब आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो पहले बैठ जाती हूँ, पानी पी के आती हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो कौन आई है मेरे घर में। बहुत ही आप देखोगे ना आप खुश हो जाओगे, आप समझ ही गए होंगे मैं किनको लेकर आई हूँ अपने घर में और हमेशा हमेशा के लिए। तो आप ही के कहने पर मैंने ये कदम उठाया और बड़ी खुशी हुई, एक अलग ही महसूस हुआ कि नहीं आप लोग सही कहते थे कि आपके मंदिर में माता रानी को विराजित करो, आपके मंदिर में माता रानी नहीं है, आपने माता रानी क्यों नहीं बिठाई। तो फाइनली मेरे घर में माता रानी आ चुकी है और आज है थर्सडे, आज के दिन में मैंने इनको थोड़ा सा नहलाया है धुलाया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब पंचामृत वगैरह वो सारे विधि विधान नहीं किए हैं मैंने। मैंने सिर्फ इनको नहलाकर, क्योंकि देखिए कई सारी मशीनों से गुजर के ये हमारे पास आई हैं, तैयार होकर आई हैं। तो पहले मैंने इनको पीताम्बरी से अच्छे से वो साफ़ कर दिया और उसके बाद अच्छे पानी से धोकर फिर गंगा जल से मिलाकर मैंने अभी इनको ढक कर रखा है। और अब इनकी जो स्थापित करूँगी मैं बंगाली तरीके से करूँगी, क्योंकि नवरात्रि जब स्टार्ट हुआ था तो मैं नवरात्रि की पूजा नहीं करी, क्योंकि रीज़न ये था कि जिस दिन बर्थडे था मेरा उसी दिन शाम को जो हमारी लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो गई थी और नेक्स्ट डे जाहिर सी बात है हम पूजा तो कर नहीं सकते। इसी वजह से मैंने इस बार जो दरबार में सजाती हूँ अपनी माता रानी का वो भी मैंने किया नहीं पूजा पाठ। और आज थर्सडे नहा धो के सुबह एकदम सिर विर धो के तैयार हो के मैंने सारे वो जो मैं पूजा करती हूँ वो पूजा करी और करने के बाद अपनी माता रानी को इस तरीके से भी कर दिया है। लेकिन इनका जो मुख है वो मैं बंगाली तरीके से पूजा पाठ जो है वो करूँगी। और पंचमी में क्या होता है माता रानी को बिठाते हैं और षोष्ठी के दिन पे मतलब छठी के दिन पे माता रानी के मुख से वो कपड़ा हम हटाते हैं, तो उसी तरीके से करूँगी। बस मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ, आप लोगों से राय मांगना चाहती हूँ, वो ये कि मैं सबसे पहले माता रानी को सीधा मंदिर में बिठाऊं या मैं जैसे एक हम लोग जो चौकी सजाते हैं माता रानी का दरबार सजाते हैं उस तरीके से करूं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगी, क्योंकि कल का दिन है, परसों इनका मुख खुले मतलब करूंगी, तो उसी हिसाब से बताइएगा कि मैं मंदिर में बिठाऊँ या दरबार सजाऊँ जैसे हम लोग नवरात्रि की पूजा करते हैं वैसे करूँ, तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो बड़ी खुशी हो रही है, देखो अभी बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए फ्रेंड्स। कल के वीडियो में आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि भले ही दो दिन में वीडियो आए पर डालो ज़रूर वीडियो, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन थैंक यू दिल से थैंक यू। तो चलो ये था मेरी माता रानी और मैं माता रानी को रख के आती हूँ और मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं सबसे पहले माता रानी के लिए जो हम चूड़ी चढ़ाते हैं वो लेकर आई हूँ, बस एक बिछिया और लानी है मुझे। तो मैं 16 श्रृंगार भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर हो सका तो चढ़ाती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में अगर 16 श्रृंगार इन 9 दिनों में चढ़ाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। तो मैं यहाँ पर ये चूड़ियाँ ग्रीन और रेड में लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल सेम ऐसी डिज़ाइन की ग्रीन वाली भी है, तो ये रेड हो गई और ये हो गई ग्रीन। और ये झंडा है जो कि हम जब अगर दरबार सजाते हैं तो आप सबको ही पता है कि झंडा लगाया जाता है, और ये बहुत ही सुंदर सा एक मुझे अच्छा सा एक आसन मिला है, कपड़ा मिला है दुकान वाले के मतलब जहाँ पूजा का सामान मिलता है, इसे आप या तो चौकी पे बिछा लीजिए या बैकग्राउंड पे सजाने के लिए। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा क्योंकि इसके ऊपर ये सतिया बना हुआ है, तो मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ इसी वजह से। और माता रानी के लिए मैंने दो चुनरी ली है, एक रेड कलर की छोटी साइज़ में और एक थोड़ी बड़ी साइज़ में,
दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। और ये चौकी पे बिछाने के लिए रेड वाला कपड़ा तो ये लिया है मैंने, और बस ये थोड़ी बहुत पूजा के सामान है, अभी और आएगा थोड़ा बहुत। और ये मैंने कान्हा जी के लिए, देखो कान्हा जी कहाँ पीछे छूटने वाले हैं उनको भी जिस दिन स्थापित करूँगी तब उनको भी नया नया सब कुछ पहनाने की कोशिश करूँगी, तो मैं उनके लिए ये मुकुट लेकर आई हूँ। मोर था, बहुत सुंदर दिखा मुझे, इसलिए लिया मैंने। और ये एक छोटा सा उनके लिए हार लिया है, ये हो गए मेरे कान्हा जी का। और माता रानी के लिए मैंने रेड कलर का ये हार लिया है, और ये मुकुट लिया है, ये देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, ये हो गया। और एक चरण पादुका ली है, तो ये हो गया। बस अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ही लेकर आई हूँ सामान। और ये मैंने फैब्रिक लिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने माता रानी के लिए कोई भी उनका ड्रेस नहीं ख़रीदा, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से वो पैसे बोल रहे थे उस हिसाब से वो ड्रेस मुझे सही नहीं लग रहा था, उससे अच्छा तो मैं ही बना लूँगी। तो अभी है टाइम, इसलिए मैं आज बनाऊँगी, शाम को देखती हूँ। तो ये मैं फैब्रिक लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर सा, और 70 रुपये का मुझे आधा मीटर पड़ा। और इसमें काफ़ी कुछ बन जाएगा, उनका चक्र भी बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, और हम लोग बिल्कुल सस्ते में और मस्त बनाएंगे। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ माता रानी का। तो ये मैंने कपड़ा लिया आधा मीटर, और सितारा वर्क हो रहा है इस पर, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा कपड़ा है। तो इससे माता रानी का ड्रेस, उनकी चोली, उनका जो क्या बोलते हैं चक्र भी बना दूंगी, दुपट्टा नहीं बनाऊंगी, दुपट्टा मैं किसी प्लेन फैब्रिक का कॉन्ट्रास्ट में लूंगी सोच रही हूँ, नहीं तो ये तो चुनरी में लाई हूँ, नहीं तो यही ओढ़ दूंगी, देखते हैं। और ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये बिछाने के लिए, नहीं तो माता रानी का ड्रेस या कान्हा जी का जो भी है, मुझे अच्छा लगा ये फैब्रिक। ओनली 30 रुपीज़ का ये आधा मीटर मिला मुझे, मैं ये ले के आ रही हूँ। तो फिलहाल अभी यही मैं माता रानी का सामान लेके आई हूँ, अब देखती हूँ अगर मार्केट जाना हुआ आज शाम को तो और भी थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ का सामान है, घी वगैरह वो भी, हवन का सामान वो सब भी लाना है। तो वैसे ऑल है मेरे पास, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा जो नहीं है वो लिस्ट बनाई हुई है, देखते हैं मंगा लूँगी नहीं तो खुद जाऊँगी। ये हो गया, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये मैंने मेरे कान्हा जी के लिए इस बार कुछ स्पेशल लिया है। ये है सिंहासन सागवान का, जो कि मेरे कान्हा जी के पास सिंहासन नहीं है, तो ये मैंने ऑर्डर दे के बनवाया, जो कि कल मुझे रिसीव हुआ ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तक मेरे जो कान्हा जी हैं वो बिल्कुल बिना सिंहासन के हैं, आपने देखा होगा। ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे गद्दा टाइप का बिछा के उनको बिठाती हूँ यहाँ पे, और ये भी मैंने उनके लिए तकिया वगैरह बनाया हुआ है। तो अभी कान्हा जी मेरे ऐसे ही हैं, तो अब इनको भी सिंहासन जो है वो मैं पूरा सजा दूँगी, और मोर पंख वगैरह करके इस तरीके से, और देखते हैं ये भी मैं शेयर करती हूँ अगर हो सका तो पॉसिबल, कैसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की थर्सडे की पूजा, और इसी तरीके से मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है वो निकल जाता है, पूरा 1.5-2 घंटा आराम से जाता है थर्सडे के दिन पर, डेली नहीं जाता है, डेली इतनी नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ कान्हा जी को निलाती हूँ, और जो ये सारी जो पूजा है वो मैं थर्सडे को करती हूँ, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। और हफ्ते में अगर 1.5-2 घंटा भगवान को दे दिया तो क्या बुरी बात है कि नहीं कोई नहीं, मुझे देखो खुशी मिलती है ये सब करने में, बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, घर में भी आती है, जब घर में ये खुशबू होती है ना, हवन करते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे क्या होता है पूरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो बस ऐसे ही मैं थर्सडे के दिन पर थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा सा बाहर का जो आवाज़ आ रहा है इग्नोर कीजिएगा, खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कब सोष्ठी आएगा, छठी मतलब माता रानी की, तब मैं करूँ। तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि माता रानी को दरबार में बना के बिठाऊँ या सीधा मंदिर में स्थापित कर दूँ, बताना ज़रूर, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मुझे यूट्यूब के माध्यम से, और बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के कमेंट पढ़ के एक मोटिवेट होती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी इंसान जब हार जाता है तब आप जैसे फ्रेंड ही जो गाइड करते हो, बड़ी खुशी मिल रही है मुझे तो मिल रही है अभी फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स चलिए, ये था मेरा एक ब्लॉग,
आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिना बोले ही लाइक कर देते हो। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे अच्छा लगता है कि बिना बोले ही आप लोग लाइक कर देते हो। तो चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लव यू ऑल।